ठीक है। ठीक और है, इस क्वेश्चन ओके। पे है ना, अभी क्या है कि जो भी लोग नहीं भी समझ रहे हैं ना, यू जस्ट नीड टू थिंक इंडिपेंडेंटली एट ईच क्वेश्चन। आप भूल जाओ पहले क्या पढ़ाया गया है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली, हम सोचेंगे इस पे। वी विल नॉट यूज एनीथिंग दैट वी हैव स्टडीड बिफोर, पिछले क्लासेस में जो भी हुआ उससे, या आज भी जो मैंने पढ़ाया उससे कोई लेना देना नहीं है। आप इसको इंडिपेंडेंटली सोचो। ये बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए बी सी डी, है ना। ये एक सेट है, ए बी सी डी एक सेट है, इसका सबसेट आपको बताना है कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। सबसेट पता है तुम लोगों को क्या होता है ना? एवरीबडी नोज व्हाट इज सबसेट, हाँ सर, सर है ना। सबसेट क्या होता है कि जैसे कोई भी, वेरी गुड आक्सी, जैसे ये एक बड़ा सेट है, ठीक है। ये एक बड़ा सेट है, कोई भी सेट, दूसरा सेट जिसमें इसके एलिमेंट्स हैं, है ना, वो इसका एक सबसेट है। जैसे एक अगर सेट है ए, तो ये इसका एक सबसेट है, मतलब इसका टुकड़ा कोई भी। अगर हम बोले ए बी, तो ये भी एक इसका सबसेट है। अगर हमने बोला बी सी डी, ये भी इसका एक सबसेट है, और ये इटसेल्फ अपना एक सबसेट है। और इसी तरीके से अगर हम एक भी एलिमेंट डालें, है ना, ये भी एक इसका सबसेट है। अभी समझ में आ गया तुम लोगों को सबसेट क्या होता है? सर, सबसेट में ए बी और बी ए सेम होता है। हाँ, मतलब इसमें अरेंजमेंट डजेंट मैटर, सेट इज सेट, है ना। मतलब ओके। कि ये जो है, इस ये अगर हम ऐसे लिख देते हैं बी सी डी ए, इट डजेंट चेंजेस, ये सेट है, ये ग्रुप ऑफ चार फोर लेटर्स यस है सर। ना। तो सेट का मतलब, कभी भी सेट का मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के लोग या कुछ पर्टिकुलर टाइप के नंबर्स एक साथ आप रख देते हो तो सेट है। जैसे मतलब हम बोलते हैं सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो वो कहाँ से होगा? दो से लेके इनफिनाइट नंबर तक का जो इवन नंबर है, दो चार छह, वो सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सेट ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई थ्री, है ना, टिल 15, 0 to 15, तो हम कौन कौन से डालेंगे? 3, 6, 9, 12, 15। समझ में आ गया? सेट सेट हम डिफाइन करते हैं ग्रुप, एक खास तरह के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए, और सबसेट उसके किसी भी पार्ट को हम उसको सबसेट बोलेंगे। अभी समझ में आ गया तुम लोगों को सबसेट क्या होता है? जितने लोगों ने नहीं बोला है वो यस तो बता दो। आपसी सृष्टि रह गई, सृष्टि बोलो यस। ठीक है, आई होप सृष्टि को भी समझ में आ गया। ठीक है, सर, सृष्टि का कनेक्शन गया। अच्छा, सृष्टि का कनेक्शन गया, कोई बात नहीं। फिर तो ये हमारे ना, ये टाइप ऑफ सबसेट्स हैं। तो हमने पूछा क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा जीरो मेंबर वाला। जीरो मेंबर का सबसेट तो एक ही होगा। वन मेंबर वाले सबसेट्स को कितने होंगे? बी एबीसीडी सी एंड डी, ये कितने होंगे? फोर। चार चार दो मेंबर वाले कितने होंगे? छः बेसिकली आप तीन इसमें करना क्या चाहोगे, इसमें चार में से दो सेलेक्ट करना है फोर सी ना। टू चार मेंबर्स हैं आपके पास, चार में से दो सेलेक्ट करना है। अब मैं, अब तो अभी ऐसे भी लिख दे रहा हूं तुम्हें, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, बी सी हो गया। आई एम नॉट अरेंजिंग, रिमेम्बर, बी डी हो गया, सी डी हो गया, ये टोटल कितना हो गया? छ, है ना। फिर तीन तीन मेंबर वाले सबसेट्स कितने होंगे? ए बी चार सी,
आपको पता है ये जितने एक वाले होंगे उतने ही तीन वाले होंगे, ये आपको समझाया था, जैसे चार में से एक को सेलेक्ट करने के जितने तरीके होते हैं, चार में से तीन को सेलेक्ट करने के उतने ही तरीके होंगे, बिकॉज बाय नंबर ऑफ वेज यू लीव थ्री, है ना, एट द सेम नंबर ऑफ वे यू सेलेक्ट वन। तो ये बी सी डी ए बी सी, आप इसको लिख भी सकते हो थोड़ा सा ध्यान देके, ए बी डी और ए सी डी, बस ये चार ही होंगे, है ना। ये क्लैरिटी आपको पता ही होगी, अब दो क्लास करने के बाद आपको ये क्लियर होगा कि ये और ये सेम होगा, क्यों, क्योंकि हर जगह चार में से एक सेलेक्ट करना और चार में से तीन सेलेक्ट करना नंबर सेम ही होते हैं, और ये कितने होंगे, इसका एक ही तरीका होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट विच कैन बी क्रिएटेड, 1 + 4 + 6 + 4 + 1 कितना होगा, ये 16। ठीक है, तो ये हमारा नंबर ऑफ सबसेट काउंट करने का था। बट ऐसे तो अगर हम पांच का करते, जैसे अगर यही हमारे पास पांच मेंबर्स होते हैं, है ना, कि ए बी सी डी होता, अगर अगर ए बी सी डी होता, ए बी सी डी ई पांच होते, तो फिर वो ये अरेंजमेंट करके निकालना टफ हो जाता। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का जो तरीका भी हमने यूज किया बाय कैलकुलेटिंग ऑल द साइज ऑफ सबसेट्स, है ना, मैंने जीरो के साइज का, जीरो के साइज से लेके, जीरो की साइज से लेके 1, 2, 3 और 4 सबके साइज का सबसेट हमने अलग अलग से काउंट कर लिया। तो ये तो हर बार आसान नहीं होगा ना, अगर नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ मेंबर्स इन दिस सेट वुड बी हाई, तब तो ये टफ हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे सोचने का भी हम रखते हैं कि जैसे मान लो कि अगर हम ध्यान देना, जैसे ये अगर तुम समझ गए मैपिंग, तो तुम सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी। जैसे ये चार एलिमेंट है आपके फाइनल सेट के, तो अब कोई भी सेट जो है ना, जैसे मान लो कि इवन कोई भी सेट है, जैसे इवन नल वाला जो है जिसमें कोई मेंबर नहीं है, इस ये सिंबल जो होता है नल सेट का होता है, ठीक है, आगे का भी ध्यान रखना, ये सिंबल जो है, ये सर्कल की जरूरत नहीं है, मतलब वो सिंबल ही, दैट इज नल सेट जिसमें कोई मेंबर नहीं है। तो इवन नल सेट में भी है तो हम उसको ऐसे करेंगे कि ये चारों नहीं है, है ना, आई व्हाट आई विल डू, वेयर ए इज नॉट देयर आई विल राइट ब्लैंक, ये चारों नहीं है। और अगर आप ध्यान दोगे कि जैसे अगर सिंगल मेंबर वाले को हम ऐसे पॉइंट कर सकते हैं, ए था एंड रेस्ट वेयर नॉट प्रेजेंट, बी को हम कैसे लिख देंगे, बी था एंड रेस्ट वेयर नॉट प्रेजेंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि हम सारे सबसेट्स को चार मेंबर का विजुलाइज करते हैं and whosoever is present उसको लिख देंगे और जो absent है उसको dash कर देंगे। तो तुम क्या देख रहे हो कि ध्यान देना फिर यहाँ पे कि for any subset a जो है a या तो होगा, है ना, होगा को one लिखते हैं, या तो नहीं होगा, है ना, for any subset either a will be present or absent। तो फिर ए प्रेजेंट है उसके बाद भी क्या हो सकता है कि बी प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, और ए अगर अब्सेंट है तब भी बी प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, बी के बाद सी प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, इस सारे केसेस में ऐसे होगा। थोड़ा सा होल्ड करो तुम लोग, इसको मैप करो तुम लोग खुद से, हेलो
ठीक है, तुम लोग ये समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे। हम इसी इसके सबसेट को ही काउंट करने के लिए वी थॉट टू थिंक इन अ वे अभी अभी हुआ कहाँ पूरा, तुम ये समझो ना कि अगर कोई भी सबसेट है, कोई भी सबसेट है उसमें ए या तो अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, ठीक है। मतलब जैसे ऊपर हम मैप कर रहे थे तो इसमें क्या है, इसमें ए अवेलेबल नहीं है, इसमें ए अवेलेबल है, इसमें ए अवेलेबल नहीं है, तो या तो ए अवेलेबल है या तो ए नहीं है। फिर उस सेट में ए अवेलेबल होने के बाद भी या तो बी अवेलेबल होगा, है ना, या तो बी अवेलेबल होगा, ये बी की लाइन है ना, बी अवेलेबल होगा या बी अवेलेबल नहीं होगा। इवन ए अगर अब्सेंट है तब भी बी अवेलेबल होगा या फिर बी अवेलेबल नहीं होगा। फिर बी के होने के नहीं होने के बाद सी पे हम आएंगे, तो ए अवेलेबल है, बी अवेलेबल है, देखो यहाँ ए अवेलेबल है, बी अवेलेबल है। आफ्टर दैट ईदर सी कैन बी अवेलेबल और सी कैन नॉट बी अवेलेबल। सिमिलरली ए अवेलेबल है, बी अवेलेबल नहीं है, इस सिचुएशन में भी सी कैन बी अवेलेबल, सी कैन नॉट बी अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ए अवेलेबल नहीं है, बी अवेलेबल है, और ऐसे सिचुएशन में भी सी कैन बी अवेलेबल, सी कैन नॉट बी अवेलेबल। सिमिलरली ए और बी दोनों अवेलेबल नहीं है तब भी सी हो सकता है और नहीं हो सकता है उस सेट में, उस सबसेट में। फिर लास्ट क्या है कि ए अवेलेबल, बी अवेलेबल एंड सी अवेलेबल, देन डी कैन बी अवेलेबल, डी कैन नॉट बी अवेलेबल। तुम ऐसे देख के तुम देखो कि ऐसे कितने बनते हैं, जैसे ये पहला वाला है क्या, ए अवेलेबल, बी अवेलेबल, सी अवेलेबल, डी अवेलेबल, ये कौन सा सबसेट है, ये वाला। अगर हम इसको देखेंगे, ए अवेलेबल, बी अवेलेबल, सी नॉट अवेलेबल, डी अवेलेबल, तो वो तीसरा वाला सबसेट है ना, ए अवेलेबल, बी अवेलेबल, सी नॉट अवेलेबल, डी नॉट अवेलेबल, तो वो दो मेंबर वाला सबसेट है। तो ऑल काइंड ऑफ सबसेट विल बी इज मैप्ड हियर ओनली, है ना, ये यहीं पे मैप्ड है। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो निकल के आएगा वो क्या होगा कि पहले वाले के होने के दो ऑप्शन है, फिर दोनों से दो दो एक्सटेंशन होता है, तो 2 into 2, फिर इस चारों से दो दो और एक्सटेंशन होता है, तो 2 into 2 into 2, फिर ऑल एट्स जैसे मान लो 1 1 1, इसके बाद भी दो और एक्सटेंशन है, तो 2 into 2 into 2 which is 16। ये फिर से बताना 2 into 2 वाला सर। रुक जाओ, मैं क्या करता हूँ, एक स्लाइड बीच में ऐड करता हूँ और उसको फिर से मैप करता हूँ मैं। यहाँ पे हम इसको वो हम ऐसे चाह रहे थे कि ए है, बी है, सी है, डी है। मैंने बोला कि किसी एक पर्टिकुलर सेट में ए या तो होगा, ए या तो ए नहीं होगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सबसेट में। इन्हीं चारों से हमारा सबसेट बनना है। अब ए अगर है तो बी या तो होगा, बी या तो नहीं होगा, और ए अगर नहीं भी है तो बी हो सकता है और बी नहीं भी हो सकता है। 0 स्टैंड्स फॉर अब्सेंट और 1 अब्सेंट फॉर प्रेजेंट। फिर सी या तो होगा और सी या तो नहीं भी होगा, तो इस केस में भी मतलब ए अवेलेबल, बी नॉट अवेलेबल, देन अगेन सी कैन बी अवेलेबल और सी कैन बी नॉट अवेलेबल। सिमिलरली हियर अब ये कैसा ट्री बन रहा है कि ये यहाँ पे ए अवेलेबल है, बी अवेलेबल है, सी अवेलेबल है, नाउ डी कैन बी अवेलेबल और डी कैन नॉट बी अवेलेबल। सिमिलरली इसके साथ भी डी कैन बी अवेलेबल, डी कैन नॉट बी अवेलेबल, डी कैन बी अवेलेबल, डी कैन नॉट बी अवेलेबल, डी कैन बी अवेलेबल, डी कैन नॉट बी अवेलेबल। देखना ये नीचे चला गया, ये रिमेम्बर ये किसके साथ किसके एक्सटेंशन में है।
ठीक है, तो बेसिकली क्या आपने देखा कि ये जो मैपिंग है ना, दिस मैपिंग इन अल्टीमेटली इंक्लूड्स ऑल दोज सबसेट्स, जो भी सबसेट्स आप विजुलाइज कर सकते हो, जैसे मान लो कि ए बी सी डी है ना, इसका कोई एक सबसेट विजुलाइज करो। जैसे मान लो मैंने बोला कि एक सबसेट है सी, एक सबसेट है जस्ट मिनट सी डी, एक सबसेट है, तो इस मैप में सी डी सबसेट कहां पे होगा बताओ? इस मैप में सी डी सबसेट ऐसे होगा कि इसमें ए अवेलेबल नहीं है और बी अवेलेबल नहीं है, तो ए अवेलेबल नहीं है, बी अवेलेबल नहीं है, सी वाला वन ये, और इसके साथ ये डी वाला वन, ये जो साइकिल है, ये जो है ये वाला सबसेट ये है। यू कैन जस्ट थिंक ऑफ एनी सबसेट, यू विल फाइंड कि दिस हैज बीन मैप्ड, और एवरी एक्सटेंशन एवरी ब्रांच ऑफ दिस ट्री इज अ सबसेट, है ना? ये सबको समझ में आ रहा है? बी कहाँ रहेगा? बी जीरो है, मतलब इस वाले सबसेट में बी जीरो है, तो बी भी जीरो ले लिया ना हमने, मतलब बी इज नॉट अवेलेबल। अच्छा, केवल बी कहाँ रहेगा? सॉरी, ठीक है, ऋतिक ने पूछा कि ये सबसेट कहाँ है, है ना? ऋतिक आस्क कि ये जो सबसेट है सिंगल मेंबर वाला जिसमें बी है वो कहाँ है, तो हमने बोला कि ए प्रेजेंट नहीं है, ए प्रेजेंट नहीं है, बी प्रेजेंट है, फिर सी प्रेजेंट नहीं है, और फिर डी भी प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम इस पे जाएं, मतलब ये ऐसे 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 बनाते रहूंगा, ये वाला जो है, सॉरी, ये डी प्रेजेंट नहीं है ना, ये वाला जो है मैप, ये हमारा बी का है, जिसमें ए प्रेजेंट नहीं है, बी वन है, सी जीरो है और डी भी जीरो है, है ना? डिड यू गेट ऋतिक, क्या क्या मैप समझ में आ गया? ऑल दो सबसेट दैट यू कैन थिंक इज देयर इन दिस मैप, ये सबको क्लियर है, दिख रहा है? आप कुछ भी विजुलाइज कर लो, आप विजुलाइज कर लो ओ ए बी सी, ये मैप कहाँ है, मतलब ये सबसेट कहाँ है, तो मतलब ए प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, सी भी प्रेजेंट है और डी नॉट प्रेजेंट है, तो ये जो मूवमेंट है ऐसे गया और है ये वाला हमारा ये सबसेट है। डिड यू गेट माई माइंड? एवरीबडी इज गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बोलो भाई, ये तो टिपिकल कंसेप्ट है, अगर तुम लोग को समझ में आ रहा है तो खुश होकर बोलना चाहिए, नहीं समझ में आ गया तो बोलना चाहिए, है ना? तो अब पॉइंट आता है कि हाउ टू काउंट, है ना, हाउ टू काउंट कि कितने एक्सटेंशन होंगे इस ट्री के, है ना, इस ट्री में कितने डिफरेंट एक्सटेंशन बने। तो हमने बोला कि पहले दोनों के साथ, ए वाले प्रेजेंट और एब्सेंट के साथ, बी का प्रेजेंट और एब्सेंट का दो दो एक्सटेंशन है, तो टोटल नंबर बना इंटू टू इंटू टू। तो तुम देखोगे जैसे वन 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 जीरो, जैसे अगर ए और बी का ही देखे तो वन 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 जीरो जीरो वन जीरो जीरो, तो ए के ए प्रेजेंट और बी के ए के एब्सेंट दोनों के साथ बी का एक एक है, तो टोटल यहां तक बना तुम्हारा चार, इस पॉइंट तक चार बने, मतलब ए और बी के ना यही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि या दोनों ना हो, है ना, जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये सबका रिप्रेजेंटेटिव है, ये बोलता है ए है बी नहीं है, ये बोलता है दोनों है, ये बोलता है दोनों नहीं है, ये बोलता है ए नहीं है और बी है, तो ऑल दिस एनी काइंड ऑफ ए और बी का प्रेजेंट और एब्सेंट है ना, वो इसी चार में रिप्रेजेंट हो जाएगा। फिर इसके बाद ऑल दिस फोर, जैसे वन वन या वन जीरो या जीरो वन या जीरो वन, ऑल दोज गॉट एक्सटेंशन ऑफ टू टू मोर फॉर सी, सबके लिए दो दो और मिला, तो इंटू टू और हो गया, तो इस पॉइंट तक तुम्हारे पास आठ
डिफरेंट अरेंजमेंट होंगे, 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0. ये टोटल आठ आपके अब तक के अरेंजमेंट आए जो एबीसी से बन रहे हैं, और डी को इंक्लूड करने पे सबके साथ दो दो और एक्सटेंशन आ जा रहा है ना. तो ये कितना आया हमारा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 है ना, विच इज 2 पे पावर 4. यही अगर पांच मेंबर होता ई तक होता तो फिर सबके दो दो और एक्सटेंशन होते. तो नंबर ऑफ सबसेट हियर इज 2 पे पावर 4 विच इज 16. ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली इट इज ट्रू. कैन यू सी इट, मतलब ये ठीक है ना, मतलब इसका अरेंजमेंट सही है. यस सर, तुम ही सीखते हो मुझे लगता है, बाकी सब एकदम. सर पांच एलिमेंट्स पहले में, फिर 2 का पावर 5 हो जाएगा सर. हाँ 2 पे पावर 5 हो जाएगा ना उसमें. ये ऐसे कैसे पूछ रहे हो तुम, इट जस्ट लाइक कॉन्फिडेंटली पूछना चाहिए तुम्हें कि जितने भी 16 एक्सटेंशंस हैं हमारे, है ना, 16 जो ट्रीज के ब्रांच है, ऑल 16 विल गेट 0101 अगेन, तो फिर ऑल 16 विल गेट 2 more extensions, तो फिर 2 पे पावर 5 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा हुआ, है ना. और सर जैसे सेट के अंदर कोई दो एलिमेंट सेम रहे तो लाइक ए ए बी सी. Can you take an example with some condition? What condition? मैं बता रही हूँ, जैसे अगर मुझे बोलना है कि हर सेट में, मतलब हर सबसेट में ऑफ दैट एबीसी वाले में ए होगा ही होगा. हाँ, तो अब ए ये अगर फिक्स कर दो, जैसे मान लो कि जैसे ए का क्या था ना, देखो ए अगर होगा ही होगा तो ए वन रहेगा ही रहेगा. ठीक है, तो अब जैसे दो था ना, केस में वन यहाँ पे वन रह जाएगा ना, मतलब ये हाँ, ये पूरे ब्रांच खत्म हो जाएंगे, 2 × 2 हो जाएगा ना. हाँ ये सारे खत्म हो जाएंगे, फिर आधे हो जाएंगे टोटल, आधे हो जाएंगे टोटल. ठीक है, किसी का प्रेजेंस अगर फिक्स कर दोगे कि जैसे मान लो ए रहेगा ही रहेगा, तो आप बोलोगे कि ए ए के होने या ना होने के बाद मतलब टोटल 16 बन रहा है, तो 16 ऑफकोर्स दो पार्ट में बढ़ जाएगा, 8 में ए होंगे और 8 में ए नहीं होंगे, है ना. ये तो सिंपल मतलब रीजनिंग है, यू कैन थिंक ऑफ, है ना. अगर अगर कोई बोलता है कि ए और बी होगा तो ये ए और बी वन वन होगा, तो बाकी इसके चार जो एक्सटेंशन है यही हमारे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे. ठीक है, ठीक ठीक है. अब यहाँ पे आओ, दिस सेज इन हाउ मेनी वेज 3 different chocolates कैन बी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग 5 children. ये वही क्वेश्चन जिसको सौरभ ने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, है ना. तो फिर से इसको वैसे ही मैप करना है तुम्हें, तो यू कैन डू इट इन एनी कैसे भी तरीके से करोगे. जैसे मान लो कि हम चिल्ड्रन वन उठाएं, है ना, चाइल्ड वन उठाएं, तो इसको हम पहला चॉकलेट दे दें, है ना. चिल्ड्रेन का नाम हम C1 नहीं रखते, ए बी सी डी ई, ये हमारे 5 children है. तो ए को C1 भी मिल सकता है, सॉरी यहाँ पे तो ये है ना कि चॉकलेट कैन बी रिपीटेड. नहीं, 5C देखो ये तब होता जब तुम बोलते हो ना कि इसी को, एक मिनट इसको हम बताते हैं. अगर आप बोलोगे कि 3 chocolate जो है इसको इस कंडीशन से अगर हम करें कि 1 child gets 1 only, तो बेसिकली इसमें वही वाली बात हो गई कि 1 child gets 1, तो या तो ए को मिलेगा, है ना. अब इस पे हम ये वाला गेम नहीं खेल सकते कि बी को मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको एस किस क्यों नहीं कर सकते,
अच्छा ये अगर हम मिल सकता है ना, हाँ इसमें क्यों नहीं होगा, इसमें ये चीज क्यों नहीं होगा इसमें, क्योंकि क्योंकि इस अरेंजमेंट में, इस अरेंजमेंट में जस्ट अ मिनट, इस अरेंजमेंट में वन 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 पांचों को भी मिल सकता है. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डू दिस ईयर, कि ये वाली मैपिंग हम यहां नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपके पास बेसिकली तीन ही चॉकलेट है, तो यू नीड टू मैप इन अ वे कि जिससे कि तीन बच्चे को ही वन 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 लिखा रहे, है ना, दो बच्चों के पास हमेशा जीरो रहे. मेरी बात समझ में आ रहा है, जैसे ये जो सारे बने हमारे, इसमें से कोई ऐसा वाला ही ट्रू होगा जिसमें तीन के पास वन है और बाकी दो के पास जीरो जीरो है. लेकिन इसमें ये भी प्रॉब्लम है कि अगर वन भी है तीन के पास, लेट से कि अगर ए बी सी को हमने चॉकलेट देना है, तो फिर वो आपस में अरेंज भी हो सकता है. अगर हमने ए बी सी को चॉकलेट अगर देना है, तो चॉकलेट भी डिफरेंट है, तो हम सी वन सी टू सी थ्री देते हैं, तो सी टू सी वन सी थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट होगा. तो अगर वन चाइल्ड गेट्स वन ओनली, तब तो ये होगा कि पांच में से आप तीन को सेलेक्ट करोगे. जैसे पांच में से तीन को मैंने सेलेक्ट किया ए बी सी, ठीक है, और इसको फिर आपस में अरेंज कर दिया. तो ये अगर ये एक सिलेक्शन है, तो वन सिलेक्शन विल हैव सिक्स मोर टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है. तो सिक्स मोर मतलब क्या हुआ, थ्री फैक्टोरियल, दिस मच अरेंजमेंट वुड बी देयर इफ इट इज रिटन देयर कि एक चाइल्ड को एक ही मिलेगा. बट इफ इट इज नॉट mentioned, जैसे क्वेश्चन में हमारा क्या था कि इन हाउ मेनी वेज थ्री डिफरेंट चॉकलेट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग फाइव चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे तो ये कंडीशन दिया नहीं है, दे हैव नॉट mentioned दिस, तो ये वाला हम नहीं लेंगे, ठीक है. तो अब हमें मैप करना है ऐसे कि हम किसी भी बच्चे को दोबारा भी दे सकते हैं, ठीक है. तो हमने इस केस में बोला कि चलो ठीक है, हम चॉकलेट्स को लेते हैं, सी वन सी टू सी थ्री लेते हैं, जो एग्जॉस्ट होता है उसके रेफरेंस में काम करते हैं. जैसे मान लो एग्जॉस्ट होने का मतलब क्या है, कि अगर एक चॉकलेट किसी बच्चे को दे दिया, तो वही सेम चॉकलेट किसी और बच्चे को नहीं दे सकते, तो इसीलिए हम चॉकलेट के रेफरेंस में काउंट करेंगे. अगर पर्सन के रेफरेंस में करते, तो एक पर्सन को अगर हम कोई चॉकलेट देते, तो सेम पर्सन कैन बी यू गेट अदर चॉकलेट ऑल्सो. तो जिस जो एग्जॉस्ट होता है उसके हिसाब से हम इसको मैप करेंगे. तो देखो, अब मैप करने जा रहा हूं मैं. अब ये यहाँ पे जो मैप होगा उसको ऐसे करेंगे कि C1 can given to A, C1 can given to B, C1 can given to D, C, D, or E, ठीक है. अब हम सिर्फ A के सिंबल करेंगे और फिर तुम समझ जाओगे सबके साथ यही होगा. तो C2 को फिर से A को दिया जा सकता है, चॉकलेट टू को, B को भी दिया जा सकता है, C को भी दिया जा सकता है. अब चॉकलेट वन की बात ही नहीं हो रही, चॉकलेट वन जो है A को दिया जा चुका है. तो आफ्टर चॉकलेट वन, व्हेन इट इज गिवन टू A, चॉकलेट टू हैज फाइव ऑप्शंस अब नाउ, कि चॉकलेट टू को हम पांच तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. अब मान लो चॉकलेट वन भी ए को दे दिया, चॉकलेट टू भी ए को दे दिया, तो अब चॉकलेट थ्री की बारी है. तो चॉकलेट थ्री भी फिर से वो पांच तरीके से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितने लोग वहां पे अवेलेबल हैं. ये मैप तो मैं ना रैंडम टाइम में भी विजुलाइज करना चाहिए कि हाउ इट हैज बीन क्रिएटेड. तो अब मैंने क्या देखा कि ए के साथ कितने बने हमारे पास, ए के साथ ए है तो फिर पांच है, पांच और पांच पच्चीस. या इन केस ऑफ रिपीटेशन, मतलब इन केस रिपीटेशन नहीं बोलेंगे, इन केस वन पर्सन कैन गेट एनी नंबर ऑफ चॉकलेट, है ना. और ध्यान रहे यहाँ पे ये थ्री डिफरेंट चॉकलेट है, ठीक है, थ्री डिफरेंट चॉकलेट है. तुम पूछोगे कि सेम चॉकलेट में क्या बात हो जाएगी, वो हम तुम्हें बाद में बता देंगे.
है ना, बट ये थ्री डिफरेंट चॉकलेट है। तो हम पहले चॉकलेट को ए को दिए, तो अब मान लो ए से जितने भी रास्ते बनेंगे, जितने भी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतना ही बी से होगा, उतना ही सी से होगा, उतना ही डी से होगा, उतना ही ई से होगा, ठीक है। तो ए से ए देने के बाद, मतलब सी वन ए को देने के बाद, दूसरा चॉकलेट हम पांच तरीके से सकते हैं, और किसी भी एक कॉम्बिनेशन में, जैसे पहला चॉकलेट ए को दिया, दूसरा चॉकलेट भी ए को दिया, देन अगेन थर्ड चॉकलेट कैन बी गिवन इन फाइव डिफरेंट वेज। तो इसके साथ पांच है, तो इसके साथ भी यही पांच होंगे, इसके साथ भी फिर यही पांच होंगे, इसके साथ भी ये आ सकता है कोई भी, ठीक है। तो व्हाट इट इज हैपनिंग इज कि जो ऐसे बनेगा मैप, ऐसे बनेगा ए ए ए, तो मतलब तीनों चॉकलेट एक हो गया, फिर ए ए बी, तीनों चॉकलेट बी, मतलब दो चॉकलेट एक हो गया, फिर पहला दोनों एक हो गया, फिर बी को गया, ए ए सी, ऐसे करके ये बनता जाएगा। और ये कब तक बनेगा, ये बनेगा फाइव वेज ये है, मतलब चॉकलेट वन के लिए फाइव वेज है, चॉकलेट टू के लिए भी फाइव वेज है, और चॉकलेट थ्री के लिए भी फाइव वेज है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैन बी क्रिएटेड, वी कैन क्रिएट इज 125, ठीक है। ये क्लैरिटी आ गई तुम लोगों को। तुम अगर कभी मेहनत करना चाहो तो तुम ऐसे भी ये भी करके गिन सकते हो, है ना। हाँ वही तो सर, मतलब ऐसे तो हो ही जाता है, मैपिंग करके तो हो जाता है, लेकिन जब हम ऐसे सोचने लगते हैं तो फिर एरर होने लगता है। लेकिन आपने जो कहा ना एग्जॉस्ट वाला, हाँ एग्जॉस्ट वाला याद रखना पड़ता है कि तुम्हें जो काउंटिंग करोगे ना, वो हमेशा उसके रेफरेंस में करोगे विच गेट्स एग्जॉस्ट, विच कैन नॉट बी रिपीटेड। जैसे चॉकलेट वन यहाँ रिपीट नहीं कर सकते, है ना, एक बार ए को दे दिया तो दे ही दिया। तो चॉकलेट वन जो है हम इसलिए यहाँ रिपीट, जैसे यहाँ पे ए को दे दिया तो दे दिया, हम चॉकलेट वन की बात ही नहीं कर रहे हैं। फिर अगर चॉकलेट वन बी को दे देते तो बी को दे दिया, अब हम इसमें बात करेंगे। तो ये चॉकलेट वन जो है ना, वंस आई गिव चॉकलेट वन पांच तरीके से, तो चॉकलेट वन एग्जॉस्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट के लिए हम चॉकलेट टू की बात करते हैं, जो अगेन पांच तरीके से दिया सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन विच कैन बी क्रिएटेड इज, कॉम्बिनेशन नहीं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट विच कैन बी क्रिएटेड इज 25। अब फिर ये 25 के बाद इसको छोड़ दिया, हम फिर सी पे आते हैं, क्योंकि ये दोनों बट गए। तो ऐसे करके देखोगे तो ए सी बी, मतलब चॉकलेट वन ए को गया, चॉकलेट टू सी को गया, चॉकलेट थ्री डी को गया, तो ए सी डी। तो ऐसे करके अगर तुम इसको बनाते चले जाओ तो टोटल नंबर ऑफ सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट वुड बी 125, है ना। तो अगर आप चाहो इसको वेरीफाई करने के लिए, तो आप ऐसा करो कि अगर हम पहले पोजीशन पे ए फिक्स ही करते, जैसे पहले पोजीशन पे ए फिक्स कर दे, दूसरे पे भी ए फिक्स कर दे, तो तीसरे के लिए पांच तरीका होगा। पहले पे ए फिक्स कर दे, दूसरे पे बी फिक्स कर दे, तो तीसरे चॉकलेट के लिए भी पांच बच्चे होंगे, पांच डिफरेंट। फिर ए सी फिक्स कर दे तो फिर से पांच होगा, ए डी फिक्स कर दे तो फिर से पांच होगा, ए ई फिक्स कर दे तो फिर से पांच होगा। तो ए फर्स्ट पोजिशन पे अगर ए है, यानी कि सॉरी पोजिशन नहीं बोलो, मतलब फर्स्ट चॉकलेट अगर ए को दिया जा रहा है तो टोटल 25 है। सिमिलरली फर्स्ट अगर बी को दिया जाएगा तब फिर से टोटल 25 होंगे। तो इसी तरह से तीनों के लिए 25 + 25 + 25 = 125। तो जैसे भी देखो ये विजुलाइज हो जाना चाहिए तुम्हें कि दिस इज बेसिकली एन अरेंजमेंट, है ना, एंड हाउ डू वी सी इज इम्पोर्टेंट हियर, ठीक है। ये सबको क्लैरिटी हो गई। जो पिछला वाला था जिसमें रिपीटेशन नहीं है, मतलब एक ही चॉकलेट दे सकते हैं मैक्सिमम, हाँ उसमें किया था कि हमने पांच में से तीन सिलेक्ट कर, पांच में से तीन बच्चे सिलेक्ट करे, हाँ। और फिर उनमें 3 factorial से बांट दिया, क्योंकि वो मतलब अरेंजमेंट भी जो है उसमें ना, हाँ। तीन चॉकलेट्स अलग उसमें बटेंगे, तो उसको तो वर्बली कर लिया है कि ये पांच में से तीन सिलेक्ट किए। इसको वर्बली कैसे करते है, मतलब ये तो मैप करके किया। एक मिनट
ठीक है, उसको मैप करके करना है, ठीक है, यही बोल रहे हो ना कि वन चाइल्ड वन गेट्स वन को मैप करना है। हाँ, मैप करके आपके आपने किया, लेकिन अगर इसको वर्बली, इसको मैप कहाँ किया, इसको तो मैप नहीं किया ना, इसको मैप इस वाले को नहीं, उस वाले को, अभी जो ये वाला है, जो इस वाले को, हाँ नए वाले को, मतलब ये रेपिटेशन वाले को। हाँ तो ये तो वही हो गया ना, हम इसको ऐसे बोलेंगे चॉकलेट वन कैन गो टू एनी ऑफ फाइव, ठीक है, फिर देन चॉकलेट वन के लिए फाइव हो गया, फिर देन चॉकलेट टू कैन गो टू एनी ऑफ फाइव, है ना। हम चॉकलेट लेके कर रहे हैं क्यों, क्योंकि चॉकलेट एग्जॉस्ट हो जाएगा, एंड चॉकलेट थ्री कैन गो टू एनी ऑफ फाइव, तो फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव 125। और उस वाले में होता है कि चॉकलेट वन कैन गो टू, मतलब जिसमें रेपिटेशन नहीं है, तो चॉकलेट वन कैन गो टू एनी ऑफ फाइव, फिर चॉकलेट टू कैन गो टू एनी ऑफ फोर, हाँ चॉकलेट वन कैन गो टू एनी ऑफ फाइव, देन चॉकलेट टू कैन गो टू एनी ऑफ फोर, देन चॉकलेट थ्री कैन गो टू एनी ऑफ थ्री, तो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री विच इज फाइव पी थ्री, फाइव पी थ्री, ओ अच्छा वो ही तो इसी है, को हमने ऐसे लिख दिया था। 5P3 लिखने का क्या तरीका होता है कि हम तीन को सेलेक्ट करके आपस में अरेंज भी कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो ये तो हमने पिछले दो क्लासेस में इसको सीखा ही है, ठीक है। सर आई हैव अ डाउट। बोलो। What if the question was three prizes among five students where a child can get any number of prizes? तो ये सेम ही होगा ना, three prizes, लेकिन ध्यान रहे यहाँ different prizes होना चाहिए, है ना? मतलब अगर क्वेश्चन में ना सेम प्राइस है तो बहुत वो अलग क्वेश्चन है, ठीक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अगर अगर ये थ्री प्राइजेस फॉर फाइव चिल्ड्रेन है तो सेम क्वेश्चन है, थ्री डिफरेंट चॉकलेट्स है, है ना, तो डिफरेंट चॉकलेट्स को तुम प्राइस बना दो, है ना, थ्री प्राइज अमॉन्ग फाइव चिल्ड्रेन, और यहाँ पे एग्जॉस्ट क्या होगा, प्राइस, क्योंकि एक प्राइज उसको दे दोगे तो फिर दूसरे को नहीं दे पाओगे वही प्राइज, ठीक है, मतलब once used it gets exhaust। जैसे यहाँ पे देखो ना, ये भी सेम है, जैसे मान लो in how many ways fourth letters can be dropped in five letter box, यहाँ exhaust क्या होगा, letter या letter box, letter, letter, हाँ letter box, इसलिए नहीं क्योंकि letter box can have n number of letters, है ना, but one letter will go to one ही letter box, ठीक है, तो लेटर बॉक्स जो है वो एक बार गिर गया तो लेटर, सॉरी लेटर है जो एक बार आप ड्रॉप कर दिए तो वो एग्जॉस्ट हो गया, तो हम किसके रेफरेंस पे काम करेंगे, लेटर के रेफरेंस पे, लेटर, तो लेटर वन कैन गो टू फाइव लेटर बॉक्स, लेटर टू कैन ऑल्सो गो टू फाइव लेटर बॉक्स, लेटर थ्री कैन ऑल्सो गो टू फाइव लेटर बॉक्स, लेटर फोर कैन ऑल्सो गो टू 5 लेटर बॉक्स, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 5 टू द पावर 4, ठीक है, ये यही मिस्टेक करते हैं हम लोग, कई बार 4 टू द पावर 5 कर देते हैं, व्हिच इज रॉन्ग, हमेशा याद रखो व्हिच क्वांटिटी गेट्स एग्जॉस्टेड, है ना, व्हिच क्वांटिटी गेट्स एग्जॉस्टेड, और इस केस में लेटर तो सेम हो ही नहीं सकता ना, लेटर तो डिफरेंट ही है, है ना, सेम वाले पे कुछ अलग कंडीशंस हो जाते हैं, उस पे हम बाद में बात करेंगे। ऑलवेज रिमेम्बर व्हेनेवर आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग हियर, एक तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक लेटर बॉक्स में एक ही जाएगा, है ना, ऑल दीज क्वेश्चंस जो इस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं इसमें नो रिस्ट्रिक्शंस एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जो एग्जॉस्ट भी हो रहा है वो डिफरेंट है, है ना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, आपको ये याद रखना है, ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शंस एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इसको फिर मैप अगर करना हो तो कैसे करोगे, मैपिंग वाले सेंस में बताओ, ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे लेटर, लेटर वन, लेटर टू, लेटर थ्री, लेटर फोर, फिर हम बोलेंगे कि लेटर बॉक्स पांच, लेटर वन को हम किसी भी लेटर बॉक्स में डाल सकते थे, तो समझो कि एल बी वन में हमने डाल दिया, तो फिर लेटर टू के लिए फिर से पांचों हो जाएगा, एल बी वन, एल बी टू, एल बी थ्री,
मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैप करना सीख गया ना तो कभी मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुम्हें डाउट्स के लिए. LB4 यू कैन योरसेल्फ डिराइव थ्योरी एट द सेम वहीं पे. तो हर LB1 के लिए, जैसे लेटर 1 को हमने LB1 में डाला है तो 5, LB2 में भी डाला होता तो 5 और होते. अब अगर इन दोनों को LB1 में डाला है, मतलब लेटर 1 को LB1 में, लेटर बॉक्स 1 में, लेटर 2 को लेटर बॉक्स 1 में डाला है, फिर से हमारा LB1 LB2 पांच पांच और होते और फिर से पांच पांच और होते. फिर LB अगर 2 करते तो फिर ऐसे ही करते पांच पांच और चलता हमारा. तो ये कैसे जा रहा है, 5 × 5 × 5 × 5, है ना. ऑलवेज रिमेम्बर द मैप कि अगर हम किसी एक को उठाएं तो इट विल बी वन ऑफ द वे टू ड्रॉप लेटर, है ना. लेटर बॉक्स 1, लेटर बॉक्स 1, लेटर बॉक्स 1, लेटर बॉक्स 1, दिस इज वन वे टू ड्रॉप लेटर. लेटर बॉक्स 1, लेटर बॉक्स 1, लेटर बॉक्स 2, तो दिस इज अनदर वे टू ड्रॉप लेटर्स, ठीक है, है ना. तो जैसे मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि LB2 LB1 LB3 LB5, तो ये इस ये अरेंजमेंट कहाँ आएगा, LB2 के साथ आता है ना, फिर इसके साथ LB1 जाता है ना, फिर LB1 के बाद फिर LB1 जाता ये वाला, और फिर LB5, तो लास्ट वाले को LB5 मिलता. तो ऑल पॉसिबल डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर लेटर्स आर देयर इन दिस फिगर, है ना. इसको मैप करोगे तो इस सारे आ जाएंगे और ये टोटल कितने होंगे, 625, ठीक है. ये क्लियर है सबको? यस सर. यस एवरीवन. साहित्य, अभी एक और एग्जांपल इसी तरह का आएगा, यू डोंट वरी. मतलब ऑनलाइन क्लास है ना, तो आई एम जस्ट गिविंग यू मोर एग्जांपल्स. ऑफलाइन में तो चलो कम देके हम तुम्हें टास्क दे देते थे कि कर लो, तो आई हैव कलेक्टेड एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स जिससे तुम्हें एंड एंड तक तो समझ में आ ही जाएगा, या फिर रिपीट अगर देख लोगे तो एक बार इसको तो समझ में आ ही जाएगा. अब ये क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ लो जरा सा. इन हाउ मेनी वेज 5 पर्संस स्टार्टेड एट ग्राउंड फ्लोर कैन गेट डाउन ऑन 7 फ्लोर्स फ्रॉम अ लिफ्ट. तो ये बेसिकली क्या है कि लिफ्ट पे बैठे हुए हैं ग्राउंड फ्लोर पे और 7 फ्लोर अप ऊपर है, 7 फ्लोर्स हैं. देखो मैप कर रहा हूं तुम्हारे लिए, लिफ्ट भी और फ्लोर्स भी. और यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे 5 पर्संस हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये सब लिफ्ट में बैठे हुए हैं. तो अब ये यहां से उतरेंगे तो कितने तरीके से लिफ्ट से उतर सकते हैं, कैन गेट डाउन. तो अभी यहाँ बताओ कौन सा एग्जॉस्ट होगा, पर्सन या लिफ्ट, मतलब सॉरी पर्सन या फ्लोर. पर्सन. क्यों पर्सन एग्जॉस्ट होगा, क्योंकि ऋतिक तुम तो मार खाओगे. जैसे अगर मान लो कि ऐसा तो नहीं है ना कि एक पर्सन एक फ्लोर पे उतर गया तो दूसरा नहीं उतर सकता उस पे. पर लिफ्ट तो ऊपर चली गई ना, तो लिफ्ट उतर चली गई तो वहां रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना कि दूसरा नहीं उतर सकता है. फर्स्ट फ्लोर पे पांचों उतर सकते हैं, है ना. तो अब फर्स्ट फ्लोर पे एक भी उतर सकता है, फर्स्ट फ्लोर पे वो नहीं भी उतर सकता है. लेकिन अगर ए फर्स्ट फ्लोर पे उतर गया, है ना, पर्सन ए, तो वो सेकंड फ्लोर पे नहीं उतर सकता. फिर वो सेकंड फ्लोर पे कैसे उतरेगा, पर्सन ए नॉट एग्जॉस्टेड, वो खत्म हो गया. पर्सन. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा. ये पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी वेज 5 पर्सन स्टार्टेड एट ग्राउंड फ्लोर कैन गेट डाउन ऑन 7 फ्लोर्स फ्रॉम अ लिफ्ट. मतलब ऐसा तुम कर सकते थे कि पांचों यहां उतर जाए, ये वन ऑफ द वे होता है ना. या फिर यहाँ ए उतरा, यहाँ बी उतरा, यहाँ सी उतरा, तो ऐसे जितने भी बन सकते हैं. तो मैं ऐसे बोल देते कि यहाँ ए बी उतरा और यहाँ कोई नहीं उतरा, यहाँ सी उतरा, यहाँ डी उतरा, है ना. तो इन एनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट दे कैन गेट डाउन फ्रॉम द लिफ्ट.
तो ऐसे करके तुम काउंट करेंगे तो ये इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा हमारे, है ना, कि हम सारे अरेंजमेंट्स रखें, है ना। अगर मान लो अगर हम पांचों को यहाँ उतारे तो पांचों को बी पे भी उतार सकते, पांचों को सी पे भी, पांचों को डी पे भी, तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमने वही बोला कि हम इसको मैप करेंगे, एंड मैपिंग हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हम पर्सन के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि पर्सन गेट्स एग्जॉस्टेड, पर्सन एक बार उतर गया तो उतर गया। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, पर्सन ऊपर लिखेंगे हम, ऊपर लिखेंगे पर्सन, क्योंकि ये एग्जॉस्ट हो रहा है। अब पर्सन वन के उतरने के कितने तरीके हैं, सेवन तरीका, सेवन, फ्लोर वन, फ्लोर टू, फ्लोर थ्री, फ्लोर फोर, फ्लोर फाइव, फ्लोर सिक्स, फ्लोर सेवन। अब अगर इसको फ्लोर वन दे भी दिया तो पर्सन टू भी हो सकता है कि फ्लोर वन पे ही उतर जाता है। नहीं श्रेया, नहीं, सेवन, सेवन पर्सन के रिस्पेक्ट में काउंट कर रहे हैं, तो पर्सन वन हैज सेवन वेज टू गेट डाउन, है ना, पर्सन वन हैज सेवन वेज टू गेट डाउन, देन पर्सन टू आल्सो हैज सेवन वेज टू गेट डाउन, तो सेवन इनटू सेवन इनटू सेवन इनटू सेवन, सेवन टू द पावर फाइव, ठीक है। तो इसको मैप हम कैसे कर रहे हैं, देखो, पर्सन वन अगर फ्लोर वन पे उतर गया तो पर्सन टू भी हो सकता है फ्लोर वन पे ही उतरा हो, या पर्सन टू फ्लोर टू पे उतरेगा, या पर्सन टू फ्लोर थ्री पे उतरेगा, या फ्लोर फोर पे, या फ्लोर फाइव पे, या फ्लोर सिक्स पे, या फ्लोर सेवन पे, ठीक है। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, फ्लोर वन मतलब एफ वन एफ वन, एफ टू एफ टू, एफ वन एफ थ्री, मतलब सॉरी एफ वन के साथ साथ, फिर F2 के साथ साथ, फिर F3 के साथ साथ, फिर F4 के साथ साथ, फिर F5 के साथ साथ, ऐसे करके 7 into 7, 49 ways तो यहां हो गया दो पर्सन के लिए। अब all 49, जैसे F1, F1 is one of them, person 3 can again get down as 7 ways, in 7 ways, इसके लिए भी सात तरीके हैं। तो अब ये ऑल 49 जो है विल हैव एक्सटेंशन ऑफ 7 मोर, सात सात और का एक्सटेंशन हो गया। तो जैसे वन ऑफ देम विल बी एफ वन एफ थ्री एफ फोर, मतलब मान लो कि हम इसमें से ऐसे निकालते हैं, ये निकालते हैं, तो एफ वन एफ थ्री एफ फोर, पर्सन वन फ्लोर वन पे उतरा, पर्सन टू थ्री पे उतरा, पर्सन थ्री फोर पे उतरा, तो इसके बाद फिर से इसके भी सात एक्सटेंशन होंगे। पर्सन फोर भी कैन गेट डाउन एज सेवन वेज, तो अब मान लो इसको दे दिया कि ये सेवेंथ फ्लोर पे उतरा, तो वन ऑफ दिस विल बी एफ सेवन, फिर इसके साथ फिर से सात और तरीके होंगे। तो टोटल कैसे बनेगा, सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन, पांच बार, सेवन टू द पावर फाइव, ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट yes, चलते हैं। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज वन कैन अटेम्प्ट सेवन ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस, है ना, यहाँ पे सेवन ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखो, अटेम्प्ट के लिए पूछ रहा है कि कितने तरीके से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ एग्जॉस्ट वाली बात नहीं है, है ना, यहाँ पे हम दूसरे तरीके से मैप करेंगे। कैसे मैप करेंगे बताओ, इसको थोड़ा सा सोच के बताओ। सर, एक बार क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन मतलब आंसर करने के दो तरीके हैं। हाँ, एक क्वेश्चन को आंसर हाँ, करने के, तो जैसे मान लो इनटू टू इनटू सर, हम इसमें ये मानेंगे ना कि अगर एक ट्रू है तो फिर उसके आगे वाला फॉल्स होगा, हो सकता है ना, वो क्यों हो सकता है। हमें ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं,
मैंने मान लो कि मैंने क्वेश्चन वन को तो दो ही तरीके से ना सॉल्व कर सकता हूँ, या तो ट्रू बोलूंगा या तो फॉल्स बोलूंगा, ठीक है। अब मुझे अटेम्प्ट करना है, आंसर क्या है उससे कोई मतलब नहीं, इन हाउ मेनी वे आई कैन अटेम्प्ट। तो हम क्वेश्चन वन पे इधर आई विल मार्क ट्रू और आई विल मार्क फॉल्स, फिर क्वेश्चन टू पे इधर आई कैन मार्क ट्रू एंड कैन मार्क फॉल्स ऑल्सो। देन अगेन अगर क्वेश्चन वन पे मैंने फॉल्स मारा है तब भी क्वेश्चन टू पे हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो तो ट्रू या फॉल्स दोनों हो सकता है। तो अब तक कितने तरीके हो गए, टू इंटू टू, फोर तरीके हो गए दो क्वेश्चन के लिए। फिर सबके लिए दो दो और एक्सटेंशन है, तो इंटू टू तीन क्वेश्चन तक हमारे पास एट तरीके हो गए, फिर सबके लिए दो दो और हो जाएंगे। तो ऐसे करके टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, फॉर एवरी न्यू क्वेश्चन आपके पास दो दो और एक्सटेंशन हो जा रहे हैं। तो टोटल कितना हो गया, टू पे पावर सेवन। ये उस तरह का हो गया ना, सबसेट वाला काउंट की तरह हो गया। ये ध्यान रखना है ना कि एवरी क्वेश्चन हैव डिफरेंट मीनिंग, बट एक एक मैप करने का तरीका जरूर होगा जिसके तरीके से हम मैप कर सकते हैं। नो इट्स नॉट कंफ्यूजिंग एट ऑल, तुम थोड़ा ध्यान दो इसको। फिर ऐसा समझ आने लगता है लेकिन थोड़ी देर बाद ना फिर से वही हो जाता है, मतलब कि ये क्या हो गया। इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि मेरी बात याद ही नहीं रखो, तुम सिर्फ क्या ध्यान रखो कि हाउ टू मैप इट, द इंटायर वो जो इसकी स्किल्स है ना वो मैपिंग में है। द मोमेंट यू विल रियलाइज कि ऐसे करके हम आंसर कर सकते हैं तो वो आपका अपने आप ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वन के लिए दो तरीके हैं, फिर सबके लिए दो दो का एक्सटेंशन है, फिर सबके लिए फिर दो दो का एक्सटेंशन है। तो मतलब आप कह रहे हो कि वो वाले लेने ऊपर हमेशा कि जो खत्म होने मतलब कम होता जा रहे हैं, फिर वहां हाँ। से आप गिनोगे है ना, जो एग्जॉस्ट हो रहे हैं उसको टॉप पे लेके उसके हिसाब से बनाते हो ना मैप। हाँ एग्जॉस्ट, यहाँ तो क्वेश्चन ही एग्जॉस्ट हो रहा है ना, तो जो एग्जॉस्ट हो रहा है उसी को लेके हम बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार आंसर कर दिया तो क्वेश्चन गया वो, तो आंसर करने के जितने तरीके हैं वो लिख दिया मैंने, सिमिलरली क्वेश्चन टू का। और इसी में एक एक, एक संडे को 9 दिए जलाना है, ठीक है। तो इसी में अगर क्वेश्चन पूछता एक्सटेंशन, सर एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। वो सबसेट वाले में क्या एग्जॉस्ट हो रहा था, सबसेट वाले में क्या एग्जॉस्ट हो रहा था, जैसे उसमें क्या था ना, हमने चार प्लेसेस बना दिए थे है ना, कि चार प्लेसेस है सबके लिए, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, और वो प्लेसेस एग्जॉस्ट हो रहा था कि ये प्लेस पे या तो ए होगा या तो नहीं होगा, है ना। तो हमने क्या बताया, पहले ही विजुलाइज कर लिया था कि एवरी सबसेट विल बी ऑफ फोर प्लेसेस, चाहे नल भी है ना तो इसको फोर प्लेसेस मानेंगे, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो ऐसे प्लेस एग्जॉस्ट हो रहा था। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो ऐसे करके हमने विजुलाइज किया था उसको। दिवाली मना लेना तुम लोग, नौ दिए का क्या कंसेप्ट हमने नहीं समझा है। खैर एनीवे, तो और बहुत बड़ा साइंस है उसके भी, वो जादू। अरे ये व्हाट्सएप पे जो भी पढ़े आपने न्यूमरोलॉजी क्या, न्यूमरोलॉजी में भी कर दिया ना, वो साइंटिस्ट भी प्रूव कर देंगे, तो नासा वाले भी अप्रूव कर देंगे कि नौ का कोई। हां हां वो मोदी बोलेगा तो सभी अप्रूव करेंगे ना, बुद्धू हो गए सारे। वो मोदी के लिए आपको अंधभक्ति चाहिए, केवल भक्ति से काम नहीं चलेगा। That is true, sir. And ये वीडियो जा रही है YouTube पे, बैन कर देगा मोदी हम सबको। कोई दिक्कत नहीं है। Zoom ऐप बंद हो जाएगा सर, मत करो। तो नौ दिए चला रहे हैं। आंख बंद करके, और मैं तो उनको प्रीच ही कर रहा हूँ ना, मतलब उनके नाम पे मैं बोल रहा हूँ कि आंख बंद करके विश्वास करो, व्हाटएवर ही डज फॉर गुड। जैसे होता है ना कि वो सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे रामा ताहे विधि रहिए। हाँ अगला भगवान अपुनुची बनेगा, मोदी का टैगलाइन है।
चलो अब नहीं पुण्य इस पे नहीं डिस्कस करेंगे, हम लोग मैप कर रहे थे। तो हम मैप क्या कर रहे थे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, 7 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन थे, इन हाउ मेनी वेज वी कैन। अरे मैं अभी 10 मिनट बाद एक क्वेश्चन और होगा, इसके बाद बंद ही कर देंगे, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें अगर एक्सटेंशन तुम्हें पूछ देता कि यू हैव ऑप्शन टू लीव अ क्वेश्चन ऑल्सो, है ना, यू हैव मतलब यू कैन ऑल्सो, यू कैन चूज नॉट टू आंसर ऑल्सो, यू कैन चूज नॉट टू आंसर ऑल्सो। ये करके नहीं, पहले ये जो कर रहे हो करो पहले, है ना। अगर अगर इसी क्वेश्चन में एक एक्सटेंशन होता कि आप जो है आप किसी क्वेश्चन को नहीं में आंसर कर सकते हो, तो इस ऑप्शन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका एग्जॉस्ट तो अभी भी क्वेश्चन होगा। आप क्वेश्चन वन को आंसर देने के बाद क्वेश्चन टू पे आते हो, आप दोबारा वो नहीं करते ना, क्वेश्चन थ्री पे आते हो, तो एवरी टाइम योर क्वेश्चन गेट्स एग्जॉस्टेड, है ना, वो कंप्लीट होता जा रहा है, वो कवर होता जा रहा है। तो देर आर 7 क्वेश्चंस, और क्वेश्चन वन को आप कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ट्रू फॉल्स या नॉट आंसर्ड, है ना। यहाँ पे जब ऑप्शन आपके पास कि आप नहीं वो करते हो, मतलब कि यू कैन नॉट आल्सो चूज टू नॉट टू आंसर, तो नाउ यू हैव 3 ऑप्शन टू डील विद क्वेश्चन वन। क्या क्या, पहले आप ट्रू करोगे या आप फॉल्स करोगे या नॉट आंसर करोगे। सिमिलरली क्वेश्चन टू के लिए भी आप ट्रू करोगे या फॉल्स करोगे या नॉट आंसर का वो रखोगे, एंड द सेम स्टैंड्स फॉर, अगर आपने पहले को फॉल्स किया है तब भी ये तीनों कर सकते हो, पहले को नॉट आंसर किया तब भी ये तीनों कर सकते हो। तो ये 3 to the power 7 हो जाएगा इसके। यस, तो ये मैप बनता, ये मैप बनता टोटल नंबर कितने बन जाएंगे, 3 into 3 into 3 into 7 टाइम्स। जिस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हम कौन सा आंसर कंसीडर करेंगे? देखो जनरली जैसे मैंने लिखा ना, तो आइडियली मुझे ये भी लिखना चाहिए था कि यू मस्ट आंसर ऑल, ठीक है, बट तुम तभी मैंने पूछा। हाँ, बट पेपर में ना तुम देखना कि पेपर में तुम्हारा कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है, दे क्लियरली मेंशन एवरीथिंग दैट यू नीड। आप चूंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद से बना रहा था, अभी स्लाइड बना रहा था ना, तो आई डिडंट टेक केयर इन दैट डिटेल कि तुम इसमें ये वाला भी चीज पूछ सकते हो तुम मुझसे। हाँ, अगर हम कुछ भी नहीं बोलते तो तुम इसको 3 to the power 7 बोलते, है ना, ये राइट आंसर होता, ठीक है। तो जनरली पेपर में यू विल गेट द सफिशिएंट डिटेल, कंफ्यूजन नहीं है। जैसे अगर तुम्हें एकदम रैंडम से ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि हाउ मेनी वे वन कैन अटेम्प्ट 7 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, तो ऑफ कोर्स आप इसको 3 to the power 7 ही लिखना चाहिए था, क्योंकि आई हैव नॉट मेंशनड हियर कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है। तो नहीं मेंशन किया तो आप लीव भी कर सकते हो। सर, एग्जाम में इतने सिंपल क्वेश्चंस थोड़ी आएंगे। ये सिंपल है सर, ये ठीक ही है, लंबा आएगा तब ही कंफ्यूजन होगा ना। नहीं, व्हेन यू नो द मेथड कि 2 पे पावर 7 कर सकते हैं तभी तो सिंपल है ना, अदरवाइज इट्स वेरी टिपिकल टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज गोइंग, इट इज बीइंग देयर। और एग्जाम में ये जरूर पूछता है, मतलब ये जो क्वेश्चंस है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब तुम अगर 3-4 एग्जाम दे रहे हो ना, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि किसी ना किसी एक में ये जरूर आएगा, ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या है, इन हाउ मेनी वेज वन कैन अटेम्प्ट द पेपर ऑफ 10 एमसीक्यू विथ 4 ऑप्शंस, है ना, 4 ऑप्शन आपको, 4 ऑप्शंस हैं और 10 क्वेश्चंस हैं, तो यहां पे भी एग्जॉस्ट क्या होगा, क्वेश्चन होगा, और
पहला कंडीशन मैंने दिया है अटेम्प्टिंग ऑल, आपको सबको अटेम्प्ट करना ही करना है. तो बेसिकली क्या है, क्वेश्चन वन को सॉल्व करने कितने तरीके हो जाएंगे, फोर तरीके, क्योंकि चार ऑप्शन है. तो आप ऑप्शन ए ऑप्शन बी, मान लो कि ऑप्शंस का नाम ए बी सी है, तो क्वेश्चन वन में आप ए बी सी डी कोई भी टिक कर सकते थे, ठीक है. फिर आप क्वेश्चन टू को भी ए बी सी डी कोई भी टिक कर सकते थे, क्वेश्चन थ्री को भी ए बी सी डी कोई भी टिक कर सकते थे. तो आप ए को अगर क्वेश्चन वन में ए टिक किए तो आपके पास ये चारों ऑप्शन है, और अगर ए ए टिक किए तब फिर आपके पास फिर से चार ऑप्शन है. तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू अटेम्प्ट द पेपर इज 4 to the power 10, है ना. अभी बोलता है क्या कि एटलीस्ट वन तो आपको करना ही, मतलब यू कैन लीव द क्वेश्चन, यहाँ पे वही कंडीशन दे दिया. अब यहाँ पे देखो ये छोटा सा तुम्हारा दिमाग लगेगा यहाँ पे, कि ये बोलता है कि एटलीस्ट वन अटेम्प्ट करना है. तो पहले तो हम बोले कि चलो ठीक है, हम नॉन अटेम्प्ट का भी ऑप्शन रख लेते हैं. तो ये चारों के बाद पर्सन कैन लीव द क्वेश्चन ऑल्सो नॉट अटेम्प्टेड, तो फिर से नॉट अटेम्प्टेड सबके लिए ऑप्शन हो जाएगा. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाते हैं, 5 to the power 10, ठीक है. बट यहाँ लिख दिया है कि एटलीस्ट वन तो अटेम्प्ट करना ही है, तो हम एक ऐसा वाला ऑप्शन है जिसमें सबके लिए नॉट अटेम्प्टेड होता, वो एक ही होता ना, कि एक ही तरीका है जिसमें आपने किसी को नहीं अटेम्प्ट किया, तो वो हमें सब्सट्रैक्ट कर देना है. तो फाइनल आंसर क्या हो जाता है, 5 to the power 10 - 1. ये 1 क्या सब्सट्रैक्ट किया मैंने, मैंने नॉट अटेम्प्ट के ऑप्शंस ले लिए सब में, है ना, क्योंकि ये पूछा है एटलीस्ट वन अटेम्प्ट करना है. मतलब क्या एटलीस्ट वन, क्या हम समझ नहीं आ रहा सर ये वाला. मतलब आपके 10 क्वेश्चन है ना, इन हाउ मेनी वेज यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, ऐसे लिखा हुआ पहले, वेयर पहला कंडीशन है आपको सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. अटेम्प्ट करने का मतलब क्या है कि ए बी सी डी में से ही कोई मार्क करना है. हाँ. ठीक है, तो उस केस में तो 4 to the power 10 था. ठीक है. अब बोलता है कि आप जरूरी नहीं कि सब अटेम्प्ट करो, लेकिन कम से कम एक तो जरूर करना है. ठीक है. सेकंड कंडीशन है कि जरूरी नहीं कि आप सारे अटेम्प्ट करो, बट एक तो करो ही करो. तो मैंने क्या किया, मैंने सारे में नॉट अटेम्प्ट भी लगा दिया. ठीक है, तो वो एक है जो नहीं किया. हाँ, मैं पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ वे टू आंसर बाय दिस नॉट अटेम्प्ट, हाँ, नॉट अटेम्प्ट के साथ जो तरीके बनेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, वो तो 5 to the power 10 बनेगा. उसमें से एक ऐसा है जिसमें एक किया, कोई भी नहीं अटेम्प्ट किया. ओ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है सर, ये इसका लैंग्वेज है. किया या नहीं किया, किया ना तो किया सर, एक किया, सिर्फ एक किया, मतलब एक से ज्यादा किया था, माइनस वन करा क्योंकि बाकी सारे नॉन अटेम्प्ट करे उसने. नहीं, जैसे 5 to the power 10 जो है, ये टोटल नंबर ऑफ आंसर है व्हेन नॉट अटेम्प्टेड इज देयर, मतलब इसका ऑप्शन है कि आप छोड़ सकते हो. वही तो कह रही हूं, सब में छोड़ सकते हो. हाँ, तो सब में छोड़ के एक करना है, इसीलिए माइनस वन करा ना. हाँ, मतलब कोई, मतलब ये सारे अरेंजमेंट हो जाएंगे ना इसमें. जैसे मान लो कि मैंने बोला पहले को ए किया, फिर दूसरे को ए किया, फिर नॉट अटेम्प्ट किया, ऐसे करके सारे ये 5 to the power 10 हो जाएंगे. ठीक है. लेकिन एक ऐसा इस 5 to the power 10 में एक ऐसा भी अटेम्प्ट है जिसमें आपने सब में ही नॉट अटेम्प्ट कर दिया. क्वेश्चन 5 में भी नॉट अटेम्प्ट कर दिया, क्वेश्चन 6 में भी नॉट अटेम्प्ट कर दिया, ये वैलिड नहीं है. 10 के 10 में नॉट अटेम्प्ट, दस के 10 में नॉट अटेम्प्ट वैलिड नहीं है. क्यों? क्योंकि आपको एटलीस्ट वन तो अटेम्प्ट करना ही है. अच्छा, एक तो ऐसे फाइव टू द पावर टेन अरेंजमेंट में एक ये भी है जिसमें ऑल 10 हैज बीन नॉट अटेम्प्टेड. ये वाला जो है ना, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बोलता है कि एटलीस्ट एक तो अटेम्प्ट करना ही करना है. तो ये वाला जो है, मैं सब्सट्रैक्ट कर देना है टोटल एलिमेंट से. तो एक हटा देंगे तो हमारा बाकी सारा जो अरेंजमेंट है, इस एक को हटाने के बाद कोई ना कोई आपने अटेम्प्ट जरूर किया होगा. ठीक है. ठीक है,
कोई कुछ पूछ रहा है, गुड ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इसको बताओ। अब ये ट्रिक है, ये तुम लोग खुद से बताओ। इन हाउ मेनी वेज सेवन लेटर्स कैन बी पुट इन सेवन एनवेलप्स। इसमें एग्जॉस्ट क्या हो रहा है? दोनों। कौन बोला ये? मैं स्वस्तिका। वेरी गुड, है ना। यहाँ पे लेटर बॉक्स नहीं है, दिस इज एन एनवेलप, ठीक है। तो आपका एनवेलप सेवन होगा क्या? हाँ, फैक्टोरियल सेवन होगा। यहाँ पे इनवेलप वन है, इनवेलप टू है, E3, E4, E5, ऐसे करके सेवन इनवेलप्स हैं। अब लेटर जो है ना, ऐसा नहीं है कि ये लेटर वन, ऑफकोर्स इन सातों में से कहीं पे भी जा सकता है, बट यहाँ पे एक लेटर अगर इनवेलप वन में गया तो ये भी एग्जॉस्ट हो जाएगा। मतलब लेटर वन भी गया और इनवेलप वन भी गया। लेटर टू के लिए ऐसा नहीं है कि लेटर वन अवेलेबल है। तो इन दिस केस एवरीथिंग इज, मतलब बोथ ऑफ द थिंग्स आर बीइंग एग्जॉस्टेड, ठीक है। इसको बिना मतलब डिलीट कर दिया, रुको। तो दोबारा लिख देते हैं। Envelope one, envelope two, envelope three, envelope four, envelope five, envelope six, envelope seven. अब क्या है कि ये seven places हैं और seven letters आपको arrange करने हैं इन seven places पे one at one time. तो आप यहाँ पे कोई भी letter रख सकते हो। तो letter one, letter two, letter three, letter four, letter five, letter six. एक मिनट, इनवेलप वन में कोई भी लेटर डाल सकते हो। अगर लेटर वन यहां डाल दिए तो इनवेलप टू के लिए लेटर वन नहीं बच जाएगा, है ना। वो लेटर टू से लेके लेटर सेवन तक कोई भी डालेगा। तो ऑल दिस सेवन हैव सिक्स सिक्स मोर एक्सटेंशन। जैसे सिक्स कैसे, लेटर सेवन अगर इनवेलप वन में डाल दिया तो लेटर इनवेलप टू के लिए लेटर वन, लेटर टू, लेटर थ्री, ऐसे करके लेटर सिक्स तक ही बचेगा। तो ऑल दिस सेवन वेज टू पुट इन लेटर्स इन एनवेलप वन, सात छः छः और एक्सटेंशन है। और फिर किसी को भी उठा लो, जैसे लेटर वन लेटर टू उठा लिया तो लेटर एनवेलप थ्री के लिए फिर पांच और है, फिर ये ऐसे करके एक्सटेंड होता जाएगा। तो दिस इज सेवन फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपके दोनों ही एग्जॉस्ट हो रहे हैं तो आपका बेसिकली सिंपल अरेंजमेंट है। ठीक है, ये अब ये पूछता है In how many ways you can create group from five people? है ना? इस क्वेश्चन को बताओ कि ये कौन से वाले क्वेश्चन से मैच कर रहा है? इसकी जो मीनिंग है, इस क्वेश्चन की जो मीनिंग है, it matches with which question? मतलब पुराना जो भी हमने क्वेश्चन किया है आज के, उसमें से किससे ये मोस्ट क्लोजली मैच कर रहा है? बस ये लास्ट क्वेश्चन है ना? सबसेट वाले से मैच कर रहा है। कौन से वाले से? सबसेट वाले से। सबसेट वाले से। एग्जैक्टली, वेरी गुड, है ना। सबसेट वाले से ही मैच कर रहा है, ठीक है। कैसे मैच कर रहा है सबसेट वाले से? कि बेसिकली आपको टीम बनाना है और यू हैव फाइव पीपल और उसका नाम रख दिया मैंने ABCDE, है ना। और हमने बोला कि इससे ग्रुप क्रिएट करना है। इन हाउ मेनी वेज वी कैन क्रिएट ग्रुप फ्रॉम फाइव पीपल। तो ग्रुप जो है, नो वाले का ग्रुप नहीं बनता है। यहाँ ग्रुप बनाना तो कोई ना कोई होना चाहिए। तो एज अ सबसेट वाले में क्या करते थे, हम इसको भी काउंट करते थे। यहाँ पे ये नहीं काउंट होगा, ठीक है। सिंगल सेट भी नहीं काउंट होगा ना? नहीं, सिंगल सेट काउंट होगा क्योंकि ग्रुप सिंगल सेट नंबर का भी हो सकता है।
तो इसमें 2 टू द पावर 5 करके माइनस 1 कर देंगे. यस है ना. तो यहाँ पे फिर एक ग्रुप बन सकता था ए सिंगल सिंगल वाले का, फिर एक बन सकता था डबल वाले का, फिर एक ग्रुप बन सकता है तीन वाले का, तीन वालों का, फिर चार वालों का, पांच, और एक बन सकता है चार वाले का, और एक बन सकता है पांचों का. अरे तुम बिल्कुल लिटरेचर वाले मीनिंग पे चली जा रही हो क्या. मैं आई से ग्रुप मतलब कोई ना कोई तो होना चाहिए. ठीक है. वन पर्सन कैन ऑल्सो बी देयर. डोंट गो फॉर द लिटरल मीनिंग ऑफ ग्रुप विच सेज की ग्रुप मतलब दो या तीन लोगों का समूह. ऐसा नहीं है. ग्रुप मतलब यू जस्ट गेट द टीम. और चलो इसमें जैसे टीम भी पूछता है तब भी हम सिंगल का भी टीम हो सकता है. मतलब होता है ना वन मैन आर्मी बोलते हैं. बोलते हैं कि नहीं. तो सर ऐसा आता है क्वेश्चन. चलो ये तो चीज़ वाली बात कर रहा हूँ. हाँ मैं वन मैन आर्मी वाली बात को वापस लेता हूँ. ज़्यादा हो गया थोड़ा. बोला मैंने सेस ग्रुप तो आप सिंगल वाले को भी कंसीडर करो अभी. ठीक है. मतलब हमारी लर्निंग यहाँ पे कुछ और है. तो हमने क्या बताया कि अगर हमें अलग अलग काउंट करना होगा, जैसे मान लो कि इन सबको काउंट करना था, तो हमने क्या बताया था ये होगा 2 पे पावर 5. ठीक है. लेकिन सिंस ग्रुप में ये काउंट नहीं होगा तो इसको हम इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए क्या बोलेंगे 2 पे पावर 5 माइनस 1. ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज देखो, जैसे अगर हम इसको बोलते हैं कि इसको और दूसरे तरीके से क्या सोचा जा सकता है. इसको ऐसे सोचा जा सकता है कि आई एम सेलेक्टिंग. हाँ सेलेक्टिंग नन 5c1 + 5c2. तो 5c0. जीरो. ठीक है. इसको हम कैसे बोलेंगे सेलेक्टिंग वन 5c1 आउट ऑफ 5. तो 5c1. इसको कैसे बोलेंगे सेलेक्टिंग 2 आउट ऑफ 5. क्योंकि इसमें अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है ना. ए बी और बी ए इज द सेम ग्रुप. तो ये 5c2 हो जाएगा, ये 5c3 हो जाएगा, ये 5c4 हो जाएगा, और ये 5c5 हो जाएगा. तो बेसिकली व्हाट आर यू सेइंग हियर इज 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5 है ना. इट विल बी 2 पे पावर 5. ठीक है. तो सिमिलरली अगर अगर हमें अगर यही 6 वाला होता कि 6c0 टू 6c6 तक ले ले सारा ग्रुप नंबर ऑफ ऑल द ग्रुप पॉसिबल्स, तो ये 2 पे पावर 6 होगा. ठीक है. ये एस्टैब्लिश हो गया. तो मेरा एक क्वेश्चन है. बोलो. आपने बोला कि हमने आउट ऑफ 5 पीपल हमने एक बंदे को सिलेक्ट कर लिया फॉर 5c1. नहीं वो वाला नहीं, 5c2 ले लेते हैं. ठीक है. तो ये जो दो बंदे आप सिलेक्ट कर रहे हो ये भी तो आपस में अरेंज होंगे ना. नहीं होंगे ना. ग्रुप में कैसे अरेंज होता है. जैसे मान लो कि दो लोगों का ग्रुप है ए और बी का, तो उसको क्या किस पर्पस के लिए अरेंज करोगे. हम अरेंज तब करते थे ना जब उनको चेयर पे बैठाना होता है या प्राइज देना होता है. हाँ, या 2 डिफरेंट चॉकलेट देने होते हैं. यहाँ तो ग्रुप बनाना है. ग्रुप बन गया. अब एबीसी का ग्रुप है. अब उसको एबीसी बोलूं चाहे बीसीए बोलूं चाहे बीसीई मतलब ए बी ए सी बी बोलूं, फर्क क्या पड़ता है. ग्रुप इज अ ग्रुप. ठीक है. एंड दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर सी, अदरवाइज हम यूज करते पी का. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा ये भी बताओ ये किस तरह छह हो गए सर. हाँ बस थोड़ा देर और, 2 मिनट और. अ क्वाइन टॉस्ड फॉर, मैं 15 मिनट का तो एक्सटेंशन लेके ही चल रहा था ना कि होगा. मेरे दिमाग में 15 मिनट एक्स्ट्रा था, तुम लोग को बताया नहीं गया था. आपके दिमाग में था, हमारे दिमाग में नहीं था. अब मैं अपने आधे घंटे का ब्रेक था. चाय पीना है ना, 10 मिनट काफी है. घर पे भी और सीपी पे भी नहीं होगी, तुम्हें दूर तक जाना है कहीं चाय पीने के लिए. ठीक है. सर
पिछले वाले क्वेश्चन पे जाओ ठीक है. आपने ये बोला नीचे वाला जो वे है 5c0 5c1 पर एक्चुअल आंसर तो मेरा 2 raised to power 5 - 1 है. हाँ तो मतलब ये तो मैंने बताया कि ऐसा होता है ठीक है. अब जब जिस क्वेश्चन में तुम्हें जरूरत है कि इसको नहीं काउंट करना है तो माइनस वन कर देंगे. हाँ तो इसमें आंसर अगर ऐसे निकालेंगे तो 5c1 से लेके 5c5 तक उधर 2 raised to power 5 - 1 आएगा ना. हाँ तो मतलब इसको क्यों करोगे कैलकुलेट जब तुम्हें पता है कि ये होता है तो हम इस सबको अलग अलग निकाल के क्यों करेंगे कैलकुलेट. ये तो ट्रिक दे दिया ना कि कभी भी सबको जोड़ना हो तो हम ऐसे अलग अलग ना निकाल के सीधा 2 to power 5 कर दें. और इनफैक्ट कभी कभी जैसे मान लो कि बोला कि 3 का ग्रुप नहीं बनना चाहिए तो हम माइनस वन भी करेंगे और ये वाला भी माइनस करेंगे है ना. अगर स्ट्रिक्ट कर दिया कि आपको 3 का ग्रुप नहीं बनाना है ना. तो जैसे 2 to power 5 हो गया ऑल पॉसिबल सबसेट, माइनस वन किए तो हो गया कि 0 वाला हटाना है और 3 वाला भी नहीं बनाना है तो इसका जो वैल्यू आएगा वो और सब्सट्रैक्ट कर देंगे ठीक है. तो ये तो हमारा 2 to power 5 इज ये सबका सम. तो ये दिस कैन बी यूज्ड एनीवेयर एनी प्लेस है ना. अभी नेक्स्ट वाले में देखो, अ क्वाइन टॉस्ड फॉर 6 times इन हाउ मेनी वेज यू कैन गेट रिजल्ट्स. ये किससे मैच करता है बताना जरा सा. फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स एग्जैक्टली. तो यहाँ पे पहले क्वाइन को क्वाइन 1 को हेड और टेल है, क्वाइन 2 को फिर हेड और टेल आ सकता है और ऐसे करके क्वाइन 3 क्वाइन 4 क्वाइन 5 क्वाइन 6 2 to power 6 बनता है. अब इसको ये चूंकि 2 to power 6 है तो हम उसको उस वाले नजर से भी देख सकते हैं. हम रिजल्ट को ऐसे विजुलाइज करेंगे, ध्यान देना ठीक है. रिजल्ट को ऐसे भी विजुलाइज करेंगे कि आपने 6 बार क्वाइन टॉस किया है अगर मैं सिर्फ हेड के रिस्पेक्ट में करूं क्वाइन को, मतलब हेड के रिस्पेक्ट में देखूं तो एक तो रिजल्ट ऐसा हो सकता है जिसमें किसी में हेड नहीं आया ठीक है. और इसके तरीके कितने होंगे 6c0 मतलब किसी को भी नहीं सेलेक्ट किया हमने हेड के लिए ठीक है. एक रिजल्ट ऐसा हो सकता है कि किसी एक में हेड आया तो मतलब मान लो यहां हेड आया तो ये टेल ये टेल ये टेल. तो अब जब यहां हेड आया है तो यहां पे भी हेड आ सकता था, यहां पे भी हेड आ सकता था, यहां पे भी हेड आ सकता था. तो वन हेड के लिए टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स कितने होते 6c1. इसी को हम ऐसे भी जो देखो, एक ये विजुअलाइजेशन था जिसमें हम रिजल्ट विजुअलाइज कर रहे थे और ये हेड के रिस्पेक्ट में है. तो दो के लिए जैसे मान लो कि एक हेड हमने दो हेड कर दिया. अब इसमें क्या है कि जो हेड यहां और यहां है वो यहां और यहां भी हो सकता है. तो बेसिकली किसी भी दो को सेलेक्ट करके 6 क्वाइन हमने जो टॉस किया है तो किसी भी 2 क्वाइन पे हेड आएगा तो मेरा ऐसा रिजल्ट होता. तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाते 6c2. अगर हम 3 जगह हेड कर लेते इसके भी मल्टीपल अरेंजमेंट्स हो सकते थे हेड के. अरेंजमेंट नहीं मतलब कि यहाँ पे 3 कोई भी ग्रुप ही बनाना है ना, ऑल 6 क्वाइन में से कौन से 3 क्वाइन का ग्रुप जो है वो आपको हेड दे रहा है. तो इसको कैसे लिखोगे 6c3. सिमिलरली अगर आपको 4 हेड्स चाहिए तो यू कैन मेक एनी ग्रुप ऑफ 4 हेड 4 है ना. इन चारों को ले ले, इन चारों को ले ले, ये 3 और ये ले ले ठीक है. तो 6c4. सिमिलरली अगर 5 हेड चाहिए होगा तो आपको कोई भी 5 हो सकता था. तो इसमें बेसिकली टी यहां आ जाएगा तो दूसरा 5 होगा, टी यहां आ जाएगा तो दूसरा 5 होगा. और ये बेसिकली आपने क्या किया 6c5. और एक हो सकता था कि सब में ही हेड आए. तो ये बेसिकली क्या है, सबको ही सेलेक्ट कर लिया. तो ये टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स जो ये पॉसिबल हमने किया है ये जोड़ के फिर से क्या होगा 2 to power 6 which is same as this. तो आप ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हो और ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हो. Is it okay?
It's all about visualization. ठीक है ये? हाँ जी सर. अब नहीं है क्वेश्चन आगे. सर. हाँ. आपने जब सेंटर पे ये पढ़ाया था तो आपने एक क्वेश्चन दिया था.